अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आई एम मुजफ्फर बशीर खान। टुडे वी विल डिस्कस एन एक्सपेरिमेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 6, पार्ट 2। दिस एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट बाय प्लेन डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग using spectrometer. In this lecture, we will discuss its observation, calculation, result, and some important questions of theory or VEVA. Its calculation table least count of spectrometer इसको find करने के लिए formula हमारे पास है smallest scale on main scale, smallest reading on main scale and डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो रीडिंग है, स्मॉलेस्ट मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग है वो है 0.5 डिग्री। इसको आप 30 मिनट्स भी कह सकते हैं। आप जानते हैं कि एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स, 0.5 डिग्री में हो जाएंगे 30 मिनट्स। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल जो हैं वो हैं 30, तो 30 मिनट्स ओवर 30 इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर। नंबर ऑफ लाइन्स ऑन द ग्रेटिंग, दैट्स 15,000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। सो ग्रेटिंग एलिमेंट डी इज इक्वल टू 1/n, दैट इज इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट डी का। ये एक्चुअली जो नंबर ऑफ लाइन्स गिवन है दैट इज 15,000 लाइन पर इंच है, जिसको सेंटीमीटर में करने के बाद फिर हमने इसको सॉल्व किया है, तो ये इसका आंसर आ गया डी का। जो भी आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। तो जो टेबल हमारे पास है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए है। इसी तरह का टेबल हम सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए भी लिस्ट बनाएंगे, बट मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ एक टेबल बना के दिखाया हुआ है। इसमें आप इसको n की वैल्यू 1 लेंगे, और अगर आप इसी तरह का टेबल फॉर सेकेंड ऑर्डर बनाएंगे तो फिर वहाँ पे n की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे वेवलेंथ फाइंड करने के लिए। इसमें जो पहले कॉलम है वो वर्नियर पोजीशन है, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट कॉलम में पोजीशन ऑफ टेलीस्कोप। शुरू में जो होगी उसकी वो उसकी डायरेक्ट पोजीशन है, जिसको हम OS कह रहे हैं। फिर हम लेफ्ट साइड पे भी लेके जाएंगे उसको, और राइट साइड पे भी लेके जाएंगे, जहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्डर इमेज नज़र आएगा, जहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन इमेज नज़र आएगा वो रीडिंग नोट कर लेंगे, वो वहाँ लिख लेंगे OS1 और दूसरा OS1 प्राइम। लेफ्ट साइड पर इन दोनों को लेंगे डिफरेंस, तो आ जाएगा एंगल S1 OS1 प्राइम, दैट इज इक्वल टू 2θ1। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा डिफ्रैक्शन एंगल θ1। इसको थीटा वन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो लास्ट कॉलम में जो वेवलेंथ है वो फाइंड करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू होता है डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ पे क्योंकि एन की वैल्यू 1 है तो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू d sin θ। इसको यूज करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन लेंगे तो फिर इनका मीन ले लेंगे, तो आ जाएगी आपके पास वेवलेंथ ऑफ द गिवन सोडियम सोर्स सोडियम लैम्प। फिर आप रिजल्ट लिख लेंगे कि वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट जो भी आपके पास आएगी उसको आप यहाँ पे रिजल्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी या वेवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट थ्रू एन ऑब्स्टेकल और नैरो स्लिट। जब भी लाइट कभी किसी ऑब्स्टेकल से या एक नैरो होल से पास होती है तो वो बेंड होती है या स्प्रेड होती है। तो लाइट का ये बेंड होना या स्प्रेड होना, दैट्स कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शोज विच नेचर ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो करता है कि लाइट हैज वेव नेचर। वेव नेचर ऑफ लाइट शो करता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होती है, इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं, और उन लाइन्स के दरमियान में जो स्मॉल स्पेसिंग होती है वो स्पेसिंग यूज होती है एज अ डिफ्रैक्शन एज अ नैरो स्लिट, जिसमें से गुजरने के बाद लाइट डाइफ्रैक्ट होती है, और ये ग्लास स्लैब के डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रेटिंग एलिमेंट? ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव लाइंस एट डायरेक्शन ग्रेटिंग इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। डी इज इक्वल टू होता है 1/n। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस हैं जो पर सेंटीमीटर रूल डाउन की होती हैं ऑन द डायरेक्शन ग्रेटिंग, तो इसको आप कर लेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव लाइंस दैट कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? सेट ऑफ कलर्स और वेवलेंथ एमिटेड बाय एनी सोर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अगर कोई एटम कोई डिफरेंट लाइट एमिट करते दैट इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अगर कोई मॉलिक्यूल डिफरेंट लाइट्स या रेडिएशन एमिट करते दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। कोई भी बॉडी जो रेडिएशन या एनर्जी या कलर या वेवलेंथ एमिट करते हैं दैट इज कॉल्ड इट स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन डायफ्रेक्शन इक्वेशन। डायफ्रेक्शन इक्वेशन हमारे पास है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डायफ्रेक्शन ऑर्डर को शो कर रहा है, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा शो कर रहा है, लैम्डा यहाँ वेवलेंथ है, एंगल थीटा इसको हम डायफ्रेक्शन एंगल भी कहते हैं, और डी यहाँ पे हमारे पास है डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग का ग्रेटिंग एलिमेंट। वेव्स ऑफ लाइट आर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो वेव्स ऑफ लाइट आर ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं और लाइट वेव में दे आर ट्रांसवर्स वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेक्ट्रोमीटर? डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ एनी सोर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। इसके तीन पार्ट्स हैं फर्दर, कोलिमीटर, टर्न टेबल और टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ द कोलिमीटर? कोलिमीटर इज यूज टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कोलिमीटर के एक एंड पे एक स्लेट होती है, दूसरे एंड पे कन्वेक्स लेंस लगा होता है। स्लेट में से लाइट पास होती है और वो लाइट जब कन्वेक्स लेंस में से गुजरती है तो कन्वेक्स लेंस उस लाइट को पैरेलल बीम की फॉर्म में चेंज कर देता है। वहां से जो लाइट एमिट होती है वो हमें पैरेलल लाइट मिलती है। तो कोलिमीटर का फंक्शन ये कि दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट। व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट? प्रोसेस इन विच एन अनपोलराइज्ड लाइट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज लाइट में लाइट की तमाम जो रेज हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में एमिट हो रही होती हैं, और उसको उनको अगर कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू प्लेन पोलराइज लाइट तो फिर हम लाइट की रेज को बाउंड कर लेते हैं। असल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है लाइट वेव्स के अंदर, तो फिर उनको हम एक खास डायरेक्शन में बाउंड कर लेते हैं। तो उनको बाउंड करने के बाद जो लाइट वेव पैदा होती हैं दे आर कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज लाइट। और जो प्रोसेस है पोलराइजेशन ये शो करता है कि लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। दिस प्रोसेस शो दैट ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ की स्टेटमेंट ये है कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ब्रैग्स लॉ आमतौर पे क्रिस्टल्स को स्टडी करने के लिए यूज होता है क्रिस्टोग्राफी में। टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेंसेज? टेलीस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव जो टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं आई पीस जो हमारी आंख के करीब होता है। तो किसी भी टेलीस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस होंगे, दो कन्वेक्स लेंसेज की कॉम्बिनेशन से एक बनती है टेलीस्कोप। एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे को हम कहते हैं आई पीस। लास्ट क्वेश्चन है, विच कलर हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग द ऑल विजिबल कलर्स? हमारे पास जितने 7 विजिबल कलर्स हैं और जो वायलेट कलर है दैट हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग द ऑल विजिबल कलर्स। और जो सबसे ग्रेटेस्ट वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है। विजिबल कलर में से जो सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी वो होगी वो होती है रेड कलर की, और जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो होती है वायलेट कलर की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।